भगवान राम को तो वैसे नारायण का अवतार माना जाता है और दुनिया में कुछ भी होता है तो वो सब के बारे में उन्हें पहले से ही पता होता है। ठीक उसी प्रकार रामायण में जो कुछ भी भगवान राम और सीता के साथ हुआ था, इस सब के बारे में भगवान राम को पहले से ही पता था, चाहे वो माँ सीता की अग्नि परीक्षा हो या फिर रावण का वध करना हो। लेकिन ये भी कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस धरती पर आता है उसे यहाँ के सभी नियमों और कानूनों का पालन करना पड़ता है। ठीक उसी तरह से जब भगवान राम के हाथों रावण का वध हुआ था तो उनके बाद भगवान राम को ब्रह्म वध का पाप लगा था और अपने इसी पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान राम ने यूपी के सुल्तानपुर में गोमती नदी के किनारे पर जा करके वहाँ पर रावण के वध करने पर पश्चाताप किया था। जी हाँ, आज उस स्थान को दो पाप तीर्थ स्थल के नाम से जाना जाता है। लोगों का मानना है कि दशहरे के मौके पर यहाँ आकर के स्नान करता है उसके सभी पाप गोमती नदी में जाकर घुल जाते हैं और इस स्थान पर एक विशाल मंदिर भी स्थापित है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से प्रियंका राज की रिपोर्ट।